हम चाहते हैं कि जो हमें हमारे याद है कि होम ग्राउंड पे हमने जैसे चेन्नई सुपर किंग के साथ परफॉर्म किया था होम रायपुर पे, तभी भी हम काफ़ी मैचेस हार के आए थे और यहाँ पे आके हमने हमारा अच्छा प्रदर्शन किया। मुझे लगता है कि क्राउड का सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, रायपुर की जनता का सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये गेम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। There are so many options are there right now, but to be honest, like we are not gone to the wicket. He just took me straight to the press conference. So I think it's important to. I think that was the thing. Like we see the wicket first. Like we analyze the thing and opponents. What can be the best? And in fact, the way we. I think against. I'm talking about Hyderabad last game we won. I think the Rishabh and they played an important role, like taking on their key left-arm bowlers. I think. So I think that was the main thinking will be there, like using our left-hander with them or whatever. I think it's important to go there and see the wicket because that's very important. हम जैसे कह रहे कि हम 12 मैचेस खेले और उसमें से 6 मैचेस जीते हैं, तो 50% हमारा परफॉर्मेंस ये साल अच्छा है। और मुझे लगता है कि हमेशा आईपीएल में ये इम्पोर्टेंट होता है कि आपने स्टार्ट किया वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, आप फिनिश कैसे करते हैं। और वो ही हम होपफुल है कि हमारे लिए ये 2 मैचेस इंपॉर्टेंट है, बट 2 में से हम ये 1 मैच का हम फोकस कर रहे हैं जहाँ पे हम हैदराबाद से खेलेंगे, वो टॉप टीम है और वो टॉप टीम को हम हराते हैं तो हम अगेन हम लोग कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं। तो हमारे लिए यही रहेगा, जैसे मैंने कह रहा हूँ कि हमारे लिए रायपुर एक अच्छा वेन्यू है, हमारा होम ग्राउंड है और यहाँ पर हमने लास्ट ईयर, जैसे आपने कहा लास्ट ईयर हम लोग परफॉर्म अच्छा नहीं करते हुए भी टूर्नामेंट की टॉप टीम को हमने यहाँ पर हराया हुआ है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है।